नमस्कार, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यूज का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार सीएम बोले, पृथ्वी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है पर मनुष्य के लालच को नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, देखते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पृथ्वी जरूरतों को पूरा कर सकती है मनुष्य के लालच को नहीं। वह सोमवार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार किए गए 1093 जल स्रोतों के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अनाप शनाप ट्वीट करने वालों को बिहार की जनता की जागरूकता का एहसास नहीं। जल जीवन हरियाली के समर्थन में राज्य के 5.18 करोड़ लोगों ने 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बना दी थी। वही 2.51 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य की तुलना में बिहार वासियों ने 5 जून से 9 अगस्त के बीच 3.45 करोड़ पौधे लगा दिए। इसलिए बोलने वाले जो मन में आए बोलते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य में हो रहे कामों के प्रति लोगों में जबरदस्त जागृति है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें पर्यावरण पर संकट पैदा करने से बचना होगा। बिहार में हरियाली लगातार बढ़ रही है, वन और हरित आवरण को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। पूरे राज्य में तालाब, पोखर और सड़क को लेकर पहाड़ों तक पौधरोपण हो रहे हैं। लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से 3,000 से अधिक 5 एकड़ से बड़े तालाबों और पोखरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इन सभी के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराए जाएंगे। जल जीवन हरियाली अभियान की वजह से राज्य के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई है। पिछले कुछ ही समय के भीतर 6,162 कुआं और 13,1517 चापाकलों के पास सोख्ता का निर्माण कर लिया गया है। रिपोर्ट खबरी बाबू।